हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे रथ यात्रा स्पेशल जगन्नाथ पुरी का फेमस प्रसाद। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी या एक कप मैदा। आप किसी भी कटोरी या कप को मेजरमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक वाला सूजी। यहाँ मैंने बारीक वाला सूजी का यूज़ किया, आप इसकी जगह मोटे वाली सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। और आप देख सकते हैं चावल का आटा भी बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे मीठे के लिए 4 चम्मच चीनी। यहाँ मैंने चीनी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह मिश्री या ग्राइंड किए हुए चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची। यहाँ मैंने इलायची का छिलके को अलग कर दिया है। और आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, सौंफ से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप सौंफ को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट को हम चम्मच से हल्के हाथों से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी से उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसके लिए यहाँ मैंने दूध का यूज़ किया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालकर हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं दूध हमारा सूख गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध डाल करके बैटर को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा काफ़ी अच्छा थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे हमारा बैटर बिल्कुल लम्स फ्री हो। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 कप दूध डाल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी डालकर हम बैटर को अच्छे से चलाते हुए फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा है, हम इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से पानी को भी ऑब्जर्व कर लिया है या सोख लिया है। इस रेसिपी को बनाते समय अगर आपके पास चावल का पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बैटर को हैंड विस्कर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और लम्स फ्री भी हो जाएगा। और अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच किशमिश डालेंगे। यहाँ मैंने किशमिश का यूज़ किया है, क्योंकि इस प्रसाद में किशमिश का ही यूज़ किया जाता है। आप इसकी जगह अपने पसंद का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल लम्स फ्री, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से फेंट लेंगे या मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट स्वादिष्ट के साथ टेस्टी भी बनेगा। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब हम बैटर को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। बैटर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बैटर हमारा काफ़ी अच्छे से फूल गया है और सूजी भी सारा पानी को सोख लिया है। बैटर को हम एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे फिर से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर हमारा थोड़ा सा अच्छा स्मूथ और लिक्विडी हो जाएगा। तभी हमारा रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा सॉफ्ट मुलायम बनेगा। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। इसका रेसिपी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गया है। हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी फ्लेवर या अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे रेसिपी बनाते समय
ऑयल में जब हम बैटर डालेंगे तो बैटर ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक चम्मच बैटर डालेंगे। बैटर डालकर हम इसे हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप हमेशा मोटे तले का कढ़ाई का यूज़ करें या आप इसकी जगह नॉनस्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बैटर को पकते हुए एक साइड से 30 से 40 सेकेंड हो गए हैं और अब हम इसे चम्मच से हल्के हाथों से इस तरीके से निकालते हुए इसे अच्छे से पलट देंगे। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे से निकल आया है और अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सिकने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं रथ यात्रा स्पेशल पुआ बनके हमारा तैयार हो रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे दूसरी तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देंगे या फ्राई कर लेंगे, जिससे पुआ हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। और ये देखिए पुआ को यहाँ मैंने पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। हमें इसी तरीके से सारे बैटर का पुआ बना लेंगे। और सेम तरीके से ही हम फिर से एक बार तेल में बैटर डालेंगे। बैटर डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से सिकने देंगे या फ्राई कर लेंगे। और इसे पलटकर दूसरी तरफ से मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। पुआ बनाते समय अगर आपका बैटर गाढ़ा हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध या पानी डालकर इसे और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और पुआ बना ले। आपका सारा पुआ बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे पुए बना के तैयार कर लिए हैं और इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर चाशनी भी डाल सकते हैं। जगन्नाथ पुरी में इसी तरीके से लकड़ी के चूल्हे पे पुआ बनाया जाता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। तो इस रेसिपी को आप इस तरीके से घर पे ज़रूर बनाएं। बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। लास्ट टाइम मैं जब पुरी गई थी तो वहाँ मैंने जगन्नाथ भगवान का पुआ प्रसाद के रूप में खाया था। मुझे वो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगा था तो मैंने उसे बनाने का कोशिश किया है और ये भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने भी इस प्रसाद को खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए हमारा पुआ बिल्कुल ही ऊपर से कड़क और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना है। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नई रेसिपी में।